अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं और अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, बच्चा मैं बता दूं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चे लगभग 50% से ज़्यादा हैं, है ना। तो एएलपी के लिए अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है या फिर आपकी ट्रेड वायरमैन है, ये दो ट्रेड अगर आपके पास है तो आपको यही पूरे पूरे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे भी पता है कि जब एएलपी टेक्नीशियन का सीबीटी 2 होगा तो सीबीटी 2 में पार्ट बी जो आता है वो ट्रेड आता है। तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन जैसे ट्रेडों में आप अगर इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं तो विश्वास मानिए आप कम से कम जो है ना 50+ स्कोर करोगे अपने 75 में से, है ना। तो यही आपका सिलेबस है और इसी को आपको पढ़ना है कंप्लीट। मैं एक बार सिलेबस बता देता हूँ कि वायरमैन और टेक्नीशियन का कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सबसे पहले, तो बेसिक है ना, पहला चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी आपको पता होना चाहिए। सेल और बैटरी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स होती है, जैसे कि सुपर पोजिशन थ्योरम होती है, आपने जरूर नाम सुना होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सिर्फ मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से बनता है वो भी क्लियर होना चाहिए। आपका अल्टरनेटिंग करंट पूरा क्लियर होना चाहिए और वो जो हमारा थ्री फेज सप्लाई होती है जिसको आप पॉली फेज कहते हो, मल्टीपल फेज कहते हो, थ्री फेज सप्लाई वगैरह ये क्लियर होना चाहिए। वो फिर हमारा लाइन वोल्टेज हो या फिर हमारा लाइन वोल्टेज के साथ साथ लाइन करंट हो, हरा, तो ये सारे ने सारे मान क्लियर होना चाहिए। एसी सर्किट के बारे में जितनी भी टर्मोलॉजी होती है, चाहे वो पीक वैल्यू हो, फॉर्म फैक्टर हो, हरा, ये सारे के सारे टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आगे देखिए इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वो वाट मीटर हो, अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको आपको पढ़ना है। डीसी जनरेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, ये वो टॉपिक है जिनको मिला के कम से कम कह सकते हो 10 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने, मतलब डीसी जनरेटर और मोटर पढ़ लो 10 नंबर फिक्स, है ना। और इसके बाद ट्रांसफार्मर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ट्रांसफार्मर एक जो डिवाइस होती है, इससे रिलेटेड जितने भी तरह के ट्रांसफार्मर हो, स्टेप अप स्टेप डाउन तो पढ़ते हो, लेकिन जब हम लोग ट्रेड वाले में पढ़ना होता है तो ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ना होता है। ट्रांसफार्मर में हानियाँ क्या होती है, ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या होती है, हरा, जिसको आप एफिशिएंसी के नाम से जानते हो, ये सब भी पता होना चाहिए ना। इल्यूमिनेशन, प्रदीपन का मतलब आप समझते हो, मतलब इलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से आप रोशनी पैदा करना, इसी को प्रदीपन कहते हैं, है ना। इंसुलेटर हो गया, इलेक्ट्रिक वायर हो गया, केबल्स हो गया, एसेसरीज, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप मान के चलिए इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक वायर, केबल और एसेसरीज से कम 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इलेक्ट्रिक जनरेशन मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हो, थोड़ा सा इसमें पावर प्लांट के बारे में पूछा जाता है ना, आपको पूरा का पूरा पावर प्लांट पता होना चाहिए, थर्मल पावर प्लांट पता होना चाहिए, हाइड्रो पावर प्लांट पता होना चाहिए, क्लियर है ना। फिर उसका ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई कैसे की जाती है, ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा वो होगा गेज और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बहुत सारे गेज होते हैं, हालांकि गेज तुम्हारे मैकेनिकल में भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी होते हैं, और जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये भी पढ़ना है। मतलब विश्वास मानिए अगर आपने इतने इतने चैप्टर कवर कर लिए तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन जैसी ट्रेड के लिए ये चैप्टर हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो आप लोग को यही चैप्टर पढ़ने, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आप इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन जैसे ट्रेड से एएलपी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं एक नंबर लिख देता हूँ जिसमें इस ट्रेड की प्री बुकिंग चल रही है, 9696102411। आप इस नंबर पर कॉल करने के बाद अपने इस ट्रेड से रिलेटेड कोर्स के लिए प्री बुकिंग करा सकते हैं, और प्री बुकिंग पूरी तरह से फ्री है। फ्री का मतलब आप ये जरूर डिसाइड कीजिए कि आपको ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।